You just always been a tighter rusted. I've been laid back, yeah. आज हम बनाएंगे हेल्दी टोमेटो सूप, जो कि बहुत ही हेल्थफुल है, बहुत ही हेल्दी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये सिर्फ टमाटर से हम बनाएंगे और बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इस सूप को कोई छोटा बच्चा भी पी सकता है और कोई घर में बीमार हो या डाइटिंग वाले लोग हों तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है सूप। आप चाहे तो इसके अंदर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, बाकी इसमें हम और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। चलिए मिलके बनाते हैं आज हेल्दी टोमेटो सूप। जस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे टोमेटो सूप। इसको अगर हम ज़्यादा चटपटा कर लेंगे तो बच्चे नहीं पी पाएंगे, और कोई बीमार है तो उसको वैसे ही चटपटा खाना मना होता है, और डाइटिंग वालों के लिए ये है कि ये डाइजेस्ट कर पाएंगे अच्छे से, और उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन वो है। यहाँ पर हम 4 टमाटर बॉईल किए हैं, तो इस टमाटर में आप चाहें तो एक टुकड़ा प्याज का और लहसुन का भी इसमें बॉईल करते समय डाल सकते हैं। यहाँ पर बस हमने 4 टमाटर को बॉईल कर लिया है। यहाँ पर हम बटर लिए हैं, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक, चीनी, जो कि इसमें हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। सबसे पहले इस टमाटर के छिलके हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से निकल जा रहा है। इसको हम मिक्सर जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हमने पीस लिया है, और पीसते समय इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी इसमें आप ऐड करें। इसमें हमने आधा कप पानी ऐड किया था। अब इसको हम छान लेंगे छन्नी से। छिलका तो इसका हमने पहले ही निकाल लिया था, लेकिन इसमें जो बीज होते हैं तो इस तरह से छन्नी में छान लेंगे तो ये बीज जो है एकदम साइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे इसमें जो बीज या टमाटर के कुछ भी टुकड़े रहे होंगे तो वो साइड में हो गए। इसको हमने अच्छे से छान लिया है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई रख दिया था। इस कढ़ाई में आप चाहें तो एक चम्मच इसमें घी या बटर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कढ़ाई को ऑयलिंग कर ले रहे हैं, इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें घी बटर डालना है तो डालें, घी तो नहीं डालें। अब ये टमाटो पल्प को इसमें हम डाल देंगे, और इस बाउल को ही धो के इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसको पकाएंगे। वैसे इसमें हम पानी डाले हैं तो पकाना जरूरी है, टमाटर तो वैसे ही उबला हुआ है, तो एक उबाल आने तक इसको हम पकाएंगे। और इसमें 1/4 चम्मच हम चीनी ऐड कर रहे हैं। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको और भी अच्छा बनाने के लिए आप चाहें तो इसमें सोयाबीन को बॉईल करके डाल सकते हैं, और इसमें पनीर के छोटे छोटे पीसेस करके पनीर भी डाल सकते हैं। अब सूप बनके तैयार है। इसमें हम 1 पिंच काली मिर्च डाल रहे हैं, क्योंकि टमाटो की क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसमें हम 1 पिंच काली मिर्च बस ऐड कर रहे हैं। अब ये सूप बनके तैयार है। इसको हम एक सर्विंग बाउल में डालेंगे। तो आप इस तरह से सूप बनाएं और अपने अनुभव मुझे बताएं। अगर ये सूप की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।